ये जो पैलेट दिख रहा है इसमें हमारी बाइक लोड होगी, तो दो पैलेट है, 1 और 2, एक में मेरी एक में शोभित की। देखो बाइक की हालत देखो। सही टाइम पे चंडीगढ़ पहुंच गए थे, सो गए, सीधा उठा, अभी 11 बजे नाश्ता किया, पहली चीज की नीचे आके बाइक देख रहे हैं। जैसे कि मैंने लास्ट ब्लॉग में बोला था कि मेरी बाइक के रेड टायर में पंचर है, लेकिन मैंने चेक किया, मुझे कहीं भी कभी कील या कुछ भी ऐसा फटा हुआ नहीं दिखा, तो आई डोंट नो व्हाट्स द सीन। मैं अभी बाजू में BMW शोरूम है, वहां मैं दिखाएंगे, बिकॉज एयर फिल्टर की तो हालत खराब हो गई रहेगी, के अंदर होता है एयर फिल्टर, वो चेक होगा, और एक चीज होगी वो मैं वहां जाके बताऊंगा। फिलहाल हम लोग बाइक का इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि कुछ हुआ तो नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, बिकॉज हम लोगों ने पागलों जैसी बाइक चलाई, मतलब नॉट रिस्की, अंडर कंट्रोल रखे बाइक चलाई, नॉट रिस्की, कुछ लोगों के लिए रिस्की होगा, हमारे लिए नहीं। ये देख लो भाई, ऐसा लग रहा है सीमेंट से जमा दिया इधर, ये देखो लेयर पे लेयर जमी हुई है इधर। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मेल ईगो के बारे में आपने कभी ना कभी सुना होगा, तो मैं और शोभित जब लोग पहुंचे, हम लोगों ने अब्दुल भाई जिशान को बताया, उन लोग भी फुल चार्ज्ड अप हो गए इन अ गुड वे नॉट इन अ बैड वे, और उन्होंने बोला हम डायरेक्टली ले से जम्मू होके चंडीगढ़ मारेंगे। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के, अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:46, हम निकले थे ले से 8 बजे, अब्दुल भाई जिशान निकले ले से 10 बजे, उन्होंने कल जम्मू का रास्ता मारा और अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:46, कल के निकले हुए हैं और अभी 15 किलोमीटर दूर है चंडीगढ़ से, नॉन स्टॉप मारा, मतलब हम लोगों ने तो हमारे ऐसा नॉन स्टॉप नहीं मारा, वो लोग रुके, थोड़ा रोड पे सोए, खाए पिए, चाय पिए, नाश्ता करे, डिनर खाए, और कितना देर में पहुंचेंगे वो लोग, 29 आवर्स, अगर अभी पहुंच गए तो, क्योंकि वो लोग बाहर 40 डिग्रीज है गाइस, अभी मैं और शोभित बाहर गए थे, हालत खराब हो गई थी, शॉर्ट्स और टी शर्ट्स में, वो लोग गियर पहन के आ रहे, कल के चले 0 डिग्री में, वहाँ 10 डिग्री था, अभी 40 डिग्री 30 डिग्री बढ़ गया, तो आई कांट इवन इमेजिन उनकी हालत क्या होगी। जैसे लोग आएंगे उन लोग का दृश्य भी दे दूंगा मैं। ये बाइक हम लेके आ गए BMW सर्विस सेंटर, और बाजू में ही ट्रायम्फ है, और ये देखो, और ये कौन आ गया, कैसा लगा, बाल ज़्यादा सफ़ेद हो गए भाई। हाँ, मैं बोला था पहले हम लोग ले से निकले थे, कैसा लगा गर्मी में चला के, इट वाज एन एक्सपीरियंस। जान ने चेहरा दिखाने से मना कर दिया है, कुछ बाइक पे प्रॉब्लम हुई? नहीं कुछ भी नहीं, मेरा टायर पंचर हो गया। अरे फर्स्ट क्लास, क्या प्राइम कस्टमर, यू नीड टू बुक अ BMW नाउ। जी ऐसे देखो खड़ी उधर, काला माटा बहुत अच्छी है, काला माटा खत्म हुआ है, देखो कितना अच्छा BMW से, कितना जल्दी पहुंचे, रात को पहुंचे, खाए पिए, सोए, उठे, सब नाश्ता वास्ता किया, यहां पर है, अभी पहुंच रहे। जस्ट किडिंग, दे डिड देयर बेस्ट, वी डिड आवर बेस्ट, रास्ता बहुत खराब था हम लोग, लोगों को भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिली। ये देखो सब गर्मी नींद भूल चुके हैं, और मस्त खा पी के आए ना, मैं तो लोगों को खाना खिलाता हूँ ना, पिलाता हूँ ना, रेस्ट देता हूँ, तो रेस्ट लेके आए, वॉश तो डेफिनेटली बॉस, इट्स सो डर्टी। ये देखो बाइक नई वहाँ पर खड़ी हुई है, कितनी अच्छी लग रही है, मेरी भी न्यू ही है, तो ऐसी देखो ऐसी हो जाएगी। सो व्हेन यू बाय इट इट्स लाइक दिस, व्हेन यू राइड इट इट्स लाइक दिस, सो इफ इट्स नॉट लुकिंग लाइक दिस प्लीज डोंट बाय इट, जस्ट किडिंग, आपकी मर्जी, आपका पैसा जो करना करो। और मेरा हाथ देखो कितना टाइन हो गया, जब घर से निकला था ऐसा था, चाइनीज ने ऐसा बना दिया, अभी ऐसा हो गया, ये ग्लव्स के अंदर एक ऐसा हो गया, मुझे पता नहीं, एक्चुअली जल गया ये पार्ट, जैसे ही स्टैंड डाला मिट्टी देखो कितनी गिरी नीचे, बाप रे बाप। तो पंचर चेक किया जा रहा है, और चेक करने के बहाने मेरा टायर जो है साफ हो गया, क्या होल है कि क्या कुछ किया है या कट है, और ये रहा एज यू कैन सी बराबर, क्या है ये पिन है क्या है, अच्छा खासा घुस गया यार ये तो, चलो कोई नहीं हो जाएगा, इतनी बड़ी राइड में बस इतना सा नुकसान हुआ। वैसे तो हमेशा बाइक जो स्पेशली एडवेंचर होती है गंदी अच्छी लगती है, लेकिन जब वो साफ होती है, ये देखो भाई साहब एकदम नई नवेली दुल्हन टाइप बन गई है, ये देख के अच्छा लगता है। शोभित की भी चमक गई, मेरी भी चमक गई, इसके एलॉयज देखो भाई फुल गोल्ड जो अभी नजर आ रहा है, अभी तो प्रॉपर तरीके से धुली नहीं है, अभी तो ये और होगा, साफ होगा, फिर देखेंगे। देखो मैं तो भूल ही गया था मेरी बाइक दिखती कैसी, क्या साफ हो गई, और मैंने बैग्स इस पर छोड़ दिए थे, बिकॉज बैग्स बहुत गंदे हो गए थे, मिट्टी विट्टी हो गई थी, ये भी इस पर छोड़ दिए थे, वाटर प्रूफ है तो अंदर जो भी है वो साफ ही हो जाएगा। अरे बाप रे बाप, क्या अच्छा लग रहा है इसको साफ देख के, ये गंदा है ये लास्ट में होगा। ये जो पैलेट दिख रहा है इसमें हमारी बाइक लोड होगी, तो दो पैलेट है, 1 और 2, एक में मेरी एक में शोभित की, और सही सलामत मुंबई पहुंच जाएगी। ठीक है तू ये ले, मैं लेता हूँ, बस नंबर लिखा है देखो 1। ओह क्या बात है, इसमें क्या लिखा है 2, चलो कोई नहीं भाई, क्या फर्क पड़ता है। तो अभी मैं क्या करूँ चंडीगढ़ में, मैं अपनी बाइक को ट्रांसपोर्ट करा रहा हूँ मुंबई, बिकॉज अभी चला के जाके कोई मतलब नहीं। एक्चुअली मेरा प्लान था मुंबई से चंडीगढ़ बाइक भेजने का, बट देन वो लद्दाख इनकम्प्लीट सा लगता है, चला के नहीं हो, और मुझे दिशांत को भी कंपनी देनी थी, करके मैं चला के लाया, और क्या होता है कभी कभी बाइक डिले हो जाती है आने के लिए, तो वो टाइम जोन परफेक्ट नहीं था। अभी एक बाइक 2 दिन लगा है, 4 दिन लगा, 10 दिन लगा है मुंबई पहुंचने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो शोभित ने भी अपनी बाइक डाली, तो मैं और शोभित दोनों बाइक डाल रहे हैं, शोभित की मुंबई जाएगी, दिशांत को बोला, बिकॉज ट्रक में और जगह है, मतलब उतना ही पैसा ले रहे हैं,
और तीन चार बाइक आ सकती है लेकिन उन लोगों को नहीं डालना है। दिशान को एक्चुअली फोबिया है, बोलता है मैं बाइक नहीं डालूंगा ट्रक पे। मैं ठीक है तेरी मर्जी, उसको अजमेर दरगाह भी जाना है और कोई दरगाह जाना है तो एक काम कर तुम लोग जाओ वहाँ से, हम लोग फ्लाइट लेके जा रहे हैं। और बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था निखिल भाई फ्लाइंग किक क्यों नहीं किया, उसकी रीज़न बताता हूँ। लद्दाख में मेरा फ्लाइंग किक करने का प्लान था लेकिन मैं फ्लाइंग किक नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ से ये जो जॉइंट है इसको क्या बोलते हैं हिप बोन या पेल्विक जो भी, यहाँ से पूरा नीचे तक ना मैं जब बाइक संभाल रहा था मुझे हल्का एक झटका आया था, मसल पुल हो गया इधर। तो हालांकि मैं चल फिर सकता हूँ लेकिन फ्लाइंग किक मारने के लिए जिस तरह से जंप करना पड़ता है वो नहीं हुआ, मैंने ट्राई किया तो अच्छे से फ्लाइंग किक नहीं आया, तो मुझे वो इनकम्प्लीट था फ्लाइंग किक का फोटो या वीडियो नहीं डालना था एंड दैट इज़ अ रीज़न। वो एक चीज़ मेरी रह गई, तो जो लोग को चाहिए था मैं करूँ प्रॉब्ली सम अदर टाइम प्रॉब्ली सम अदर डेस्टिनेशन, तो ये रीज़न थी कि मैं फ्लाइंग किक नहीं कर पाया। अभी आई एम वेरी वेरी मच एक्साइटेड टू गो टू मुंबई, मैं आज नहीं जा रहा हूँ मैं कल जा रहा हूँ। हालांकि मैं बाइक छोड़ के मैं जा सकता हूँ लेकिन शोभित जो है आज जाती फ्लाइट से भोपाल जा रहा है तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, हालांकि आई ट्रस्ट BMW गाइस बट स्टिल अपनी बाइक को चढ़ता हुआ देखना वो थोड़ा एक अलग ही फीलिंग रहती है। मुझे बहुत सारा सामान अपनी बाइक पे ही छोड़ना है क्योंकि ऑब्वियसली वो ट्रक स्पेशली हमारा, तो ये बाइक VRL या गति से नहीं जा रही, मतलब ये ट्रक में सिर्फ और सिर्फ मेरी और शोभित की ही बाइक होगी और कुछ भी नहीं होगा, डायरेक्टली चंडीगढ़ टू मुंबई थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ा हम लोगों को, तो इसके लिए वो चीज़ मुझे चढ़ता हुआ खुद देखनी है, इसके लिए बस और कुछ नहीं। तो ये वाला बैग जाएगा बाइक पे, ये सिलेंडर का कोई यूज नहीं हुआ। बहुत लोग बोलेंगे क्या निखिल भाई फोकट में लेके गए, देखो भाई भले इसका इस्तेमाल नहीं हुआ बट दिस इज लाइक अ टूलकिट और फर्स्ट एड, जब जरूरत पड़ती है तब होना जरूरी, तो जरूरत नहीं पड़ी थैंकफुली बट मन तो बड़ा था बनाने का, तो लोग वो भी कहीं और कर लेंगे। ये वाला बैग जो है मेरा लैपटॉप बैग है, इसको मैं फ्लाइट पे लेके जाऊंगा, बहुत ज्यादा गंदा हो गया बिकॉज ये वाटर प्रूफ है, थोड़ा बहुत तो इसको पानी से धोना बनता है वरना एयरपोर्ट पर ऐसे ही जाऊंगा सब लोग देखेंगे क्या कौन जा रही है। वाटरप्रूफ बैग होने का फायदा, और आई थिंक अच्छा खासा धुल गया है, बस पहुंच के रख दूंगा। मेरी बाइक पूरी तरह से जो है रेडी हो चुकी है, अभी मैं इसको होटल लेके जाऊंगा, इसमें सामान लोड करूंगा क्योंकि मुझे नहीं लेके जाना है बिकॉज ऑफ कोर्स फ्लाइट से और ज़्यादा वेट कैरी नहीं कर सकता, तो लोड कर दूंगा बाद में बाइक यहीं खड़ी कर दूंगा। ऑल्सो एंड टू माई गुड लक जिस बाजू में इलांटे मॉल है तो शायद इसको बोला तो कुछ मुंबई में मॉल चालू नहीं हुआ है तो फरमाइश आ गई, तो इसको रख के पहले फरमाइश पूरी करेंगे और बाद में बाइक छोड़ेंगे। तो ये रहा BMW का ट्रायम का सर्विस सेंटर और ये रहा हमारा बिलवेड ट्रायम शोरूम और ये रहा इलांटे मॉल। बेस्ट चीज़ है कि यहाँ पर 9 बजे तक मॉल खुले रहते हैं, तो कुछ तो उसको नायका से जैसे वो ले लिया और ये वाला शूज़ शायद इसको पसंद आया बिकॉज नाउ शी इज़ वॉकिंग एवरी डे सो आई एम गोइंग फॉर दिस वन, ये भी अच्छा लगा था बट उसका साइज़ नहीं है। सारा सामान पैक हो चुका है, बस कुछ चीज़ें सॉर्टेड करनी है, अभी मैं लेके जाऊँगा बाइक पर डालूंगा। शोभित अभी जस्ट गया बिकॉज उसकी फ्लाइट ऑलरेडी डिले हो गया तो फटाफट से टैक्सी बुलाई, तो मैं भी सब बाइक पर रख के आपको मिलता हूँ। चलो भाई शोभित की फ्लाइट जा रही है, देखो पसीना पसीना हो गया चंडीगढ़ में, एक्चुअली उसको अपनी बाइक छोड़ के आनी थी, मैंने तू पहले छोड़ के आ क्योंकि उसकी फ्लाइट मिस हो जाएगी, मैं यहाँ वेट करता हूँ अभी निकलेगा और मैं अपनी बाइक लेके निकलूंगा। चलो भाई मिलते हैं, भाई मिलते हैं, बाय बाय, बहुत जल्द एक बहुत बड़े सरप्राइज के साथ। यस ऑल दो चंडीगढ़ में मॉल वॉल सब खुले हैं बट यहाँ का सीन क्या है कि 9 बजे के बाद कुछ भी हम स्विगी जोमैटो से ऑर्डर नहीं कर सकते, सब कुछ बंद हो जाता है और 11 बजे के बाद होटल में कुछ ऑर्डर नहीं कर सकते, तो कुछ करने के लिए रहता नहीं है, तो मैंने किसी भी ऑर्डर की खा के सीधा सो गया। एनीवेज गाइस आज के लिए बस इतना रखते हैं, इफ यू एंजॉयड दिस व्लॉग फॉर व्हाटएवर रीजन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब करो विद दैट सेड एज ऑलवेज शुक्रान विद द मासरमा टेक केयर एंड व्हाटएवर माय लवली फ्रेंड्स आई रियली कांट वेट टू सी शानस एनीवेज आई डिजर्व बिकॉज़ मैं अगले ब्लॉग में